संख्या चक्कर एक हेट स्थानक मूल दी समझ विकसित कर ली है। इस नु बच्चिया नाल छोटे जा वड्डे समूह विच बैठ के खेडिया जा सकता है। सब तो पहला इस तरह बत्ते क्रम विच गोले बनाओ अते उना उते इकाई अते दहाई लिखो। ठीक है बच्चियो, हुण तुसी सारे इस वड्डे गोले दे बाहर दो दो दे जोड़ियां विच घेरे विच बैठ जाओ अते सारे जोड़े अपने सामने जमीन ते इस तरह इकाई अते दहाई दा एक फ्रेम बना लो। हुण तुहानू समग्री दी लोड़ है। एक खेड हमेशा नौ कंकरां नाल खेडी जांदी है। खेड दे कुछ नियम भी हन, जिवें हर वार नौ कंकर सुटने हन। जो कंकर वड्डे गोले तो बाहर डिगे अते जेड़े कंकर गोले दी लाइन उपर डिगे ओ सारे कंकर इस खेड विच गिने नहीं जानगे। इत्थे देखो ए चार कंकर दहाई दे गोले विच हन, इसलिए इत्थे दहाई दे स्थान विच चार लिखदे हां। अते ए दो कंकर इकाई दे गोले विच हन, इसलिए असी इकाई दे स्थान विच दो लिखदे हां। चार दहाइयां दा अर्थ है 40 अते दो इकाइयां दा अर्थ है 2, इसलिए सानू 40 जोड़ 2 बराबर 42 मिलता है। समझ गए बच्चे हो? जी हाँ। हुण तुहाडी बारी है। हरेक जोड़े विच्चों एक बच्चा अगे आवेगा अते इना गोलियां विच कंकर सुटेगा अते दूजा बच्चा फ्रेम विच संख्या लिखेगा। ठीक है। ता पहला जोड़ी तो कविता तुसी आ जाओ। बत्ती। बहुत खूब। हुन अगली जोड़ी विच्चों कोई आओ। पंद्रह। की ये सही है? ता सही कौन दसेगा? इकवंजा। सही संख्या 51 है। हुण अगली जोड़ी विच्चों कोई आवे। ते। बहुत खूब। इस तरह खेड जारी रह सकती है। बच्चे अपने खुद के गोले बना के अपनी संख्यावां बना सकते हैं। जेकर तुसी तीन अंकां वाली संख्यावां नाल इस खेड नू खेडना चाहते हो तो तुसी दो की बजाय तीन गोले बना के इस खेड नू खेड सकते हो।